हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हॉट एंड कोल्ड दोनों डालगोना कॉफ़ी शेयर कर रही हूँ। आइए हम इसे थोड़ा अलग भी बनाएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, कंटिन्यू देखिए, स्किप करके ना देखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/3 कटोरी लिया है कॉफ़ी नेस्कैफे वाली, 1/3 चीनी, 1/3 हॉट वाटर गरम पानी। इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं। आप स्पून से भी फेंट सकते हैं, इसे हैंड ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। आज हम बिना मशीन के बनाएंगे इसे। ये रहिए, बिल्कुल स्मूथ क्रीम के जैसे बन गया है पेस्ट। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं, कॉफी के ग्लास रेडी करते हैं। आइए हम कॉफी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ हॉट कॉफी। पहले हम हॉट बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले डालेंगे इसमें हॉट मिल्क। मैंने दूध को यहाँ गरम कर रखा है। दूध में मैंने ऑलरेडी चीनी डाल रखी है। एक में हम फ्लेवर डालेंगे, इसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें बॉर्नविटा। इसमें बॉर्नविटा का फ्लेवर डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे। कलर काफी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम कॉफी डालेंगे, जो कॉफी हमने रेडी की है। चॉकलेट सिरप डालेंगे। थोड़ी डार्क चॉकलेट। अब दूसरी कॉफी रेडी कर लेते हैं हम। दूसरे ग्लास में हम चॉकलेट सिरप डालेंगे साइड से, ग्लास की किनारी पे। अब डालेंगे हम ये कॉफी। कॉफी हमने इसमें डाल ली है, मिल्क चॉकलेट से गार्निशिंग कर रही हूँ मैं इसमें। अब थोड़ी डाल रही हूँ मैं अमूल क्रीम गार्निशिंग के लिए। ये दोनों मैंने हॉट चॉकलेट बनाई है, हॉट कॉफी चॉकलेट वाली। अब इसमें डालेंगे हम आइस, इसे हम कोल्ड बनाएंगे। चॉकलेट सिरप डाल देंगे। गार्निशिंग के लिए इस तरह से ग्लास के चारों तरफ डाल देना है हमें। ये देखिए,
कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध, इसमें मैंने शुगर पहले से मिला के रखा है दूध में, रेडी की है। इसी के अंदर थोड़ा चॉकलेट सिरप डालेंगे ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाए और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। कॉफी डाल देंगे। हम इस पर कॉफी डाल देंगे रेडी है। थोड़ी थोड़ी कॉफी हम साइड में इसमें भी डाल देते हैं ऐसे। ये देखिए इस तरह से कॉफी डाल दीजिए। अब इस पर थोड़ी डालेंगे हम डार्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट चॉकलेट सिरप इसके ऊपर भी डाल देंगे थोड़ा। थोड़ा डालना है हमें। ये देखें हमारी डालगोना कॉफ़ी बनकर रेडी है। कितनी यम्मी दिख रही है। टू मैंने हॉट बनाई है, टू मैंने कोल्ड बनाई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।